देश के सियासी गलियारे में उस वक्त हड़कंप मच गई जिस वक्त विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया अचानक लापता हो गए। अहमदाबाद से दिल्ली तक ये बात आग की तरह फैल गई कि तोगड़िया गायब हो गए हैं। हालांकि 11 घंटे के बाद वो शाम को बेहोशी की हालत में मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तोगड़िया गुजरात के अहमदाबाद के साहिबाग इलाके में बेहोशी की हालत में मिले और उन्हें फौरन चंद्रमणि अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका शुगर लेवल काफी कम हो गया था जिसके चलते वो बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत फिलहाल अच्छी है। इन 11 घंटों के दौरान कयासों का बाजार भी काफी गर्म रहा और बहुत सारे अतीत के पन्ने भी पलट दिए गए और उन्हीं पन्नों में एक अध्याय पर पीएम मोदी और प्रवीण तोगड़िया की दोस्ती का भी जिक्र था, जिसमें लिखा था कि वो एक दौर था जब तोगड़िया और मोदी में काफी गहरी दोस्ती हुआ करती थी। यहाँ तक कि दोनों एक ही स्कूटर से आरएसएस कार्यकर्ताओं से मिलने तक जाया करते थे। एक ही विचारधारा के दोनों लोगों ने काफी वक्त तक एक साथ संघ के लिए काम भी किया, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास तब आई जब नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। दोनों के विचार राजनीति की दहलीज पर अलग अलग हो गए और यहीं से दोनों के बीच में मतभेद की शुरुआत हो गई। यह विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब मोदी सरकार ने गांधीनगर में 200 मंदिरों को ढहा दिया और मोहम्मद अली जिन्ना पर लालकृष्ण आडवाणी के बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे वीएचपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यहीं से प्रवीण तोगड़िया ने मोदी का खुले तौर पर विरोध शुरू किया था। उन्होंने साल 2011 में मुसलमानों के लिए सद्भावना संदेश का काफी मजाक उड़ाया और कहा कि उन्होंने छवि बदलने के लिए हिंदुत्व छवि का त्याग कर दिया है। इसलिए जब तोगड़िया लापता हुए थे तो विहिप के कुछ नेताओं ने कहा कि तोगड़िया के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उनके खिलाफ पिछले एक महीने से घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था जो राजनीति से प्रेरित है और उन्हें नीचा दिखाने की साजिश थी। वहीं कुछ मीडिया के सूत्रों के हवाले से खबर आई कि आरएसएस और बीजेपी दोनों ही चाहते थे कि बीएचपी तोगड़िया को मुक्त करें ताकि वह संघ के बैनर तले नए कार्यक्रम शुरू कर सकें। तोगड़िया ने इसका कड़ा विरोध किया था जिसके फलस्वरूप उनके खिलाफ पुराने मामलों में कार्रवाई तेज कर दी गई और उन्हें कई पुराने मामलों में वारंट इशू हुए। कहा जा रहा है कि उन्हें लेकर ही तोगड़िया पिछले काफी वक्त से तनाव में चल रहे थे।